आदाब, मैं शिलता चीफ डाइटिशियन हूँ। हम सबकी ज़िंदगी न्यूट्रिशन पे डिपेंड होता है। अभी हम लोग जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसके वजह से हम लोगों का जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है या फिज़िकल फिटनेस जो चला गया है आदमी को, ये मॉडर्नाइजेशन से हुआ है। हमारे देश में पिछले 3-4 साल से ये फैट डाइट्स का फैशन ट्रेंड चल रहा है। ये ऐसा भूत जैसा सबके सर पे चढ़ गया है। किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो फैट डाइट्स ले लेते हैं और उनका इलाज तुरंत मिल जाता है। इसका एक प्लस पॉइंट है, रिजल्ट्स जब भी मिलेंगे आपको। आपने जैसे कहा है कि एक महीने में 10 किलो 15 किलो, उसके बाद भी हमारा लाइफ है। हमारा लाइफ 2 महीने का नहीं है। ये जो वज़न हम लोगों ने कंपाइल किया है वो सालों का है। ये सालों का नेग्लिजेंस है जो हमने डाइट के हिसाब से किया है और फिजिकल इनएक्टिविटी के वजह से हुआ है। इसको हम सुधरेंगे तो आसानी से वज़न घट जाएगा, हेल्दी वेट लॉस। अभी जो क्रैश डाइट्स आपने पूछा है, जैसे हमारे पास एटकिंस है, कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, बहुत सारे हैं। ऐसे डाइट्स में क्या हो रहा है, ज़्यादातर फास्टिंग करना पड़ रहा है। इस वजह से क्या होता है, माइक्रो विटामिंस की डेफिशिएंसी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे विटामिंस एंड मिनरल्स, ये हमारे शरीर में सही मात्रा में नहीं जाएंगे लॉन्ग रन में। और इतने सारे स्टडीज़ जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में प्रेजेंट कर चुके हैं कि ये लॉन्ग रन में लेने से मसल सैगिंग होता है, प्रोटीन लॉस जो है, फैट के हिसाब से भी प्रोटीन भी घटते जा रहा है। ये बहुत नुकसान करता है इंसान को। और इतना सारा हेयर फॉल और इतने सारे मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसी, डिजीनेस होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इलनेस भी हम लोगों को फेस हो रहा है। इसीलिए फैट डाइट्स जो भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, मैं नहीं करने के लिए नहीं बोलती हूँ, हाँ कर सकते हो। आपको विजिट करना है एक डाइटिशियन को जो सही हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि ये डाइट आप फास्ट करेंगे तो उसके रिप्लेसमेंट में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिस हो रहा है, कैसे कॉम्प्लीमेंट करना है। तो देयर इज अ हेल्दी वे टू लूज वेट इफ एट ऑल। अगर आपको वेट इतना बॉदर करता है कि आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो गया, आपका 10 से 40 इंसुलिन यूनिट्स लेना पड़ रहा है हर मील में, तो देन यस, यू कैन अप्रोच अ क्वालिफाइड डाइटिशियन, बैलेंस डाइट फॉलो कर सकते हैं। आपको इमीडिएट रिजल्ट होना चाहिए, जैसे हम सब लोग सोचते हैं कि इट हैज़ टू बिकम ओवरनाइट। तो फिर भी आप कीटो का ले सकते हो हेल्प, मगर ये 2-3 महीने के लिए ही चलेगा। अगर आप ज़्यादा देर यूज़ करेंगे तो बहुत नुकसान होएगा। इसीलिए ऑलवेज ऑल दिस क्रैश डाइट्स वी डोंट रिकमेंड। अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए चलेगा। वेट लॉस हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। वेट एक ग्रेजुअल वेट लॉस होना चाहिए, 5-10% मिनिमम। ऐसे करने से हमारा मसल जो है वो लॉस नहीं होता है। जब आप तुरंत वेट लॉस करेंगे, आपका एनालिसिस करेंगे बॉडी कॉम्पोजिशन का, तो आपके फैट के हिसाब से भी आपका मसल लॉस होता है। तो जब आप बैलेंस डाइट लेके महीने में 3-4 किलो घटेंगे तो दैट्स अ हेल्दी वेट लॉस। इसको करने के लिए आपको सिर्फ 500 कैलोरी को आपके डाइट से कट करना पड़ेगा, दैट इज़ अ स्मॉल पोर्शन, माने हर मील में 2-2 निवाले कम करेंगे और जो प्रोटीन है बढ़ाएंगे और जो फाइबर है बढ़ाएंगे। ऐसे करने से आपका हेल्दी वेट लॉस है। आप हमेशा BMI मत सोचिए, BMI इज बॉडी मास इंडेक्स। आपको सेंट्रल ओबेसिटी रहेगा। इंडियंस में एक ऐसा चीज़ है, लीन रहते हैं देखने में मगर उनका फैट कंपोजिशन ज़्यादा रहते हैं। अगर आप इंडियन का BMI 23 है, ठीक है ना, उसी वेट के हिसाब से जब आप किसी कॉकेशियन या यूरोपियन या अफ्रीकन को देखेंगे, वही वेट में वो बहुत ब्रॉड दिखेंगे, हालांकि फैट दिखेंगे मगर उनका हेल्दी वेट है विथ लेस फैट। हमारा जो आदमी थिन दिखता है उसके अंदर फैट कॉम्पोजिशन जो है मसल में ज़्यादा रहता है। वी आर कॉल्ड लीन इंडियंस, थिन लीन ओबेसिटी रहता है हमारे पास। तो बॉडी कॉम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट देन BMI। हमेशा BMI के पीछे नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को फैट फ्री मास कितना है, मसल शुड बी फोकस्ड ऑन। तो अब्डोमिनल सर्कम्फरेंस कम रहना चाहिए। आपका वेस्ट सर्कम्फरेंस जो है लेस देन 80 फॉर फीमेल्स, लेस देन 90 फॉर मेल्स रहना चाहिए। जब इससे थोड़ा बढ़ेगा तो आपका रिस्क फैक्टर्स रहेगा अब्डोमिनल ओबेसिटी से कार्डियोवैस्कुलर और डायबिटीज़ को। सो बॉडी कॉम्पोजिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर BMI।
यस BMI इज अ स्ट्रांग इंडिकेटर, वो तो है ही, मगर हम लोगों को मसल लॉस की चिंता रहना चाहिए और फैट लॉस को निकालना चाहिए। हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि स्टेपल फूड जो है वो हमारे वेजिटेशन, हमारे बॉडी के हिसाब से ऐसा बनाया गया है, ठीक है ना। ये स्टेपल फूड खाने से हमारा हेल्दी लाइफ रहेगा। हालांकि बहुत सारा इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, हर जगह गूगलिंग हो रहा है कि ये खाने से, ऐसे आपने बोला कि क्विनोआ खाना अच्छा है, हम लोगों को ये भी ज्ञान में रहना चाहिए कि ज्वार भी बहुत अच्छा है, फॉक्सटेल मिलेट भी अच्छा है, क्विनोआ से कुछ भी कम नहीं है फॉक्सटेल मिलेट। हम लोगों को फॉक्सटेल मिलेट सिर्फ 60 रुपये में आता है, क्विनोआ 800 रुपीज़ में आता है, ये बहुत फ़र्क है। और ये भी सोचना चाहिए क्विनोआ बाहर से आता है, सो हम लोगों का जो लोकल ग्रोन ग्रेन रहता है उसमें बहुत न्यूट्रिशन रहता है। हम लोगों को हमारे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स का खोज करना चाहिए और जो भी जितना भी ज्ञान है उसका यूज़ करना चाहिए। जैसे हम लोग बाहर का ड्रैगन फ्रूट लेने की कोशिश करते, क्वीवी फ्रूट लेने की कोशिश करते, एवोकाडो लेने की कोशिश करते, 250 रुपीज़ एक एवोकाडो होता है ना। तो आपका जो लोकल संतरा है आप एक ले लीजिए 10 रुपये में, या लोकल जो भी अमरुद आता है, अनार आते हैं उसको ले लीजिए। यहाँ लोकल शमशाबाद हैदराबाद अराउंड में जो आता है वो दैट इज़ ग्रोन, एक दो दिन के अंदर आपके प्लेट के अंदर आ जा रहा है, दैट इज़ फुल ऑफ लोड्स ऑफ वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। अगर आप दूसरे फॉरेन वेजिटेबल्स को देखते हैं, जैसे ब्रोकोली हो गया, सेलरी, लेट्यूस, ये सारे दे आर ग्रोन आउट ऑफ द स्टेशंस, दे आर स्टोर्ड, दे आर प्रिजर्व, दे आर ट्रांसपोर्टेड, वो हिसाब में से पूरा वाइटामिन्स मिनरल्स जो है वो बाहर लीच हो जाते हैं, उनका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम रहता है। ऐसा रहता है कि यू आर सेलिंग आउट मोर मनी, पैसा ज़्यादा डाल के कम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो। आप जब भी हेल्दी रहेंगे व्हेन यू ईट लोकली प्रोड्यूस्ड फूड्स एंड वेजिटेबल्स, चाहे वो सीरियल ग्रेन क्यों ना हो। जैसे आपने सही पूछा कि इडली खाना अच्छा है या ओट्स खाना अच्छा है, हम सबको ये याद रखना चाहिए कि इडली इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रेकफास्ट। ये हमारे WHO और यूनिसेफ ने स्टैम्प किया है, ये हमारे इंडियंस को पता नहीं है। सब लोग सोचते कि ओट्स अच्छा है, हाँ एक सिंपल चीज़ है कि ओट्स लेने से वजन घटता है। तो ओट्स हम लोग कितना खाते हैं, 15-20 ग्राम्स। जब हमको इडली खाने के लिए बोलते हैं तो 3 से 4, 5, 8 इडली तक खा ले सकते हैं। तो वही इडली आप दो लीजिए बड़ी कटोरी सांभर में, 500 ml सांभर में दो इडली लेंगे तो आपका हेल्दी डाइट बनेगा। सांभर एक ऐसा चीज़ है वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल से अप्रूव हुआ है कि इसमें एंटी कार्सिनोजेंस है, जैसे जो मसाला हम लोग यूज़ करते हैं इससे आपका कैंसर सेल्स भी डेथ हो सकता है, ये प्रूवन स्टडीज़ है। सो हम लोगों को कुछ भी हो, चाहे वो महाराष्ट्रियन रेसिपी है या असामी रेसिपी है, कश्मीरी है, जो जहाँ के लोग हैं वहाँ का फूड लेना कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट वो एक बून के जैसा होता है, एक वर के जैसा होता है कि लोकल ग्रोन खाना चाहिए। सो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा खाना ट्रेडिशनल और नेचुरल रहना चाहिए, जितना प्रोसेसिंग कम करते हैं। जैसे हम लोग बिजी लाइफ स्केड्यूल में कॉर्नफ्लेक्स खाना पसंद करते हैं, ओट्स खाना पसंद करते हैं क्योंकि लैक ऑफ टाइम, बट ये भी सोचना चाहिए कि इडली डोसा आर फर्मेंटेड फूड्स। वो जैसे वेजिटेरियंस हैं उन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहता है, ये फर्मेंटेड फूड्स जो है ये विटामिन B12 का एक्सेलेंट सोर्स है। तो ऐसे एक चीज़ है, फाइबर है, यूजफुल बैक्टीरिया है, इसको जितना फर्मेंट करते हैं उतना यूजफुल बैक्टीरिया हमारे गट में प्रोड्यूस होता है, इससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। जैसे आपका ब्रेड है उससे ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि स्टेपल फूड इज़ ऑलवेज एक्सेलेंट। तो जहाँ के भी है हमारा ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हम लोगों को चूज़ करना चाहिए। तो सही हिसाब से आप बैलेंस डाइट लेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो हम लोगों को डिजीजेस से फ्री लाइफ रहेगा, तो हेल्दी लाइफ रहेगा। तो आप लोग सबको न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस मालूम रहना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। थैंक यू।